अस्सलामुअलैकुम, आप सभी को सैमा बाजरी के खाने में खुशामदी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जनाब बहुत ही जबरदस्ती नवाबी सिवैया। चले जी स्टार्ट करते हैं। हम बना रहे हैं नवाबी सिवैया। ईद का दिन है, जैसे ईद आने वाली है इंशाल्लाह, तो मैंने कहा चले भाई नवाबी सिवैया बनाना बताते हैं जैसे मेरे घर बनती हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब घी लिया है, ठीक है। आप ऑयल भी ले सकते हैं और 2 इलायची डालेंगे सब्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, थोड़ा चूड़ी की आज मैं थोड़ी टेस्ट कर दूँ। देखिए अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास पूरा एक पैकेट था सिवैयों का, उसका मैंने चूड़ा कर लिया है। आप भी इस तरह से छोटी छोटी से उसका पूरा पैकेट का एक चूड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे अच्छे से खुशबू आने तक। इसमें खुशबू आएगी ना, फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, ये रेडी है, इसको हम ठंडा करते हैं और जिस भी हमने इसमें सर्व करना है ना उसमें हम इसको रखते हैं। ये देखिए अब अच्छी से खुशबू आने लगी है मेरी सिवैयों में, ठीक है। जब आपके भी अच्छे से खुशबू आने लगे ना तो इसमें 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डाल दीजिएगा। ये चीनी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और 1 टेबलस्पून सूखा दूध डाल दीजिएगा, किसी भी उसका ले सकते हैं आप, ब्रांड का जो भी आपके घर में अवेलेबल हो कोई सा भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से इसको हम भूनेंगे 2-3 से 4 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप लोगों को करंची पसंद नहीं है, जैसा मुझे करंची इसमें पसंद है ना नवाबी सिवैयों में, मुझे थोड़ा सा करंच करंच सा अच्छा लगता है, आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप इस टाइम पे जो है ना 2 से 3 चमचे दूध के डाल सकते हैं, तो उससे ये होगा थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाएंगे। मुझे ऐसे पसंद है तो मैं नहीं डालूंगी, आप लोगों को डाल सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 मिनट पकाएंगे इसको, फिर मैं इसको उतार लूँगी। देखिए मुझे इस बर्तन में सर्व करना है ना, तो मैंने क्या करना है, इसमें जो हमने बनाई थी ना इसमें हमने इसको सेट करना है, ठीक है। आप भी जिस बर्तन में सर्व करें ना उसी बर्तन में आप इसको सेट कर दीजिए और इसको इससे कुचला की मदद से जमा दीजिए। और मेरे पास कुछ नट्स हैं, मैं इसमें डालूंगी। अगर आपके पास बादाम पिस्ते जो भी हो ना वो डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके हमने क्या करा था, अपनी सिवैयों का सेट करके रख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नवाबी सिवैयां हैं तो जाहिर सी बात है नवाबी बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 चमचे अपना कॉर्नफ्लोर के, ठीक है, और 3 चमचे मैंने लिए हैं कस्टर्ड पाउडर के, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ठीक है। और अब जाएगा इसमें 1/2 कप दूध का, बिस्मिल्लाह। मैंने यहाँ पर वनीला कस्टर्ड लिया है, आप मैंगो जो भी आपको पसंद है ले सकते हैं। और इसका एक घोल सा तैयार करेंगे, बस बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। और मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर का दूध इस्तेमाल करा है, गर्म दूध मैंने नहीं डाला है, ठीक है। आप लोग भी गर्म दूध से अवॉइड करिएगा, रूम टेम्परेचर का लीजिएगा या फ्रिज का लीजिएगा। देखिए अच्छा सा एक घोल तैयार हो गया है। चलिए अब हम अपनी नवाबी सिवैयों की तैयारी करते हैं। देखिए अब क्या करना है, ये मेरे पास 2 कप दूध है, मैंने 2 कप दूध लिया है, इसमें मैं 3 से 4 दाने इलायची के डालूँ, ठीक है, इस तरह से। और फिर इसमें जाएगा 1/2 कप के बराबर हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, कम ज़्यादा आप चीनी को कर सकते हैं। चीनी जो है थोड़ी से मेल्ट होगी ना दूध के साथ, डिजॉल्व हो जाएगी, तो हम इसमें क्या करेंगे अपना जो हमने अभी एक कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर का एक होल तैयार करें ना वो डालेंगे इसके अंदर। बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी नवाबी सिवैयां बनके तैयार होंगी। ईद हो सिवैयां ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, तो क्यों ना नवाबी सिवैयां बनाई जाए। देखिए अब चीनी मेल्ट हो गई है, अब हमने जो होल तैयार करा था ना ये इसके अंदर हम डालेंगे और चमचा चलाते रहेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे। ये देखिए जितनी हमें नीड होगी हम उतना डालेंगे। थोड़ा सा और डालेंगे, बस अब मुझे इतनी नीड थी तो मैंने इतना डाला है। और ये देखें अब ये तैयार है, कितनी जल्दी तैयार हो गया ना, ये देखें ये बिल्कुल तैयार है। और मैंने लकड़ी का चम्मच यूँ इस्तेमाल करा था, क्योंकि कोई भी हम ऐसी चीज़ बनाते हैं ना, कस्टर्ड हो गया या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ बनाएंगे ना तो वो पतली नहीं होगी, लकड़ी के चम्मच से ये फ़ायदा होता है। कभी भी आपको इस तरह से चीज़ बनाए ना तो लकड़ी का चम्मच ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे क्या होगा कि आपकी चीज़ बाद में पतली नहीं होगी। बस अब ये तैयार है, ये देखें
ये हमारा नजर आ रहा है, ये तैयार है, ये देखें ये बिल्कुल रेडी। अब मैं चूल्हे को करती हूँ ऑफ, ठीक है, इसको ठंडा करते हैं फिर अपनी डिश में निकालते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने थोड़ा सा किस्से बना अपने मर्जी के मुताबिक डाल दो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। और जो हमने बनाया था ना, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारी फिर नवाबी सेवैयाँ तैयार हो जाएंगी। देखिए इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमने डाल दिया, अब हमने जो सेवैयाँ थी ना ये इसके ऊपर इस तरह से डालनी है, ठीक है, सारी सेवैयाँ। चलिए इस तरह से पूरा आप इस पर डाल दीजिएगा, और इसमें फिर हम डालेंगे नवाबी हैं जो जरा इनके नखरे भी खाए ना, आप इससे बादाम जो भी आपके पास हो नट्स वो डाल सकते हैं। कितनी ज़बरदस्त हमारी ये ईद पे नवाबी सेवैयाँ बनके तैयार हो जाएंगी, तो एक नई डिश होगी। पिस्ते बादाम लग दिए, अब नवाबी है ना, अब इनके चांदी का वर्क भी लगाएंगे हम। ये हमने लगा लिए चांदी का वर्क, ये तो ज़रूर लगाएं, थोड़ी डिश में जान आ जाती है आपकी, अच्छा सा लगता है। और इसको फिर एक घंटे के लिए ना आप फ्रिज में रख दीजिएगा थोड़ा सा सेट होने के लिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ज़बरदस्ती लग रही है ना, इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब कितनी ज़बरदस्त हमारी नवाबी सेवैयाँ बनके तैयार हो गई हैं, लग रही है ना कितनी ज़बरदस्त, अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त और खाने में भी बहुत ही लजीज होती है। अरे ये नजर नवाबी सेवैयाँ लग रही है ना ज़बरदस्त। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।